अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नर्सेज विभागीय प्रांतीय समिति और नर्सेज एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को जहां समिति पदाधिकारियों और सदस्यों ने एमवाई परिसर में रैली निकालकर विरोध जताया, तो वहीं नर्सेज एसोसिएशन ने भी 2 घंटे काम बंद कर विरोध जाहिर किया। देखिए ये रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर नर्सेज विभागीय प्रांतीय समिति के सदस्यों ने एमवाई परिसर में बैनर पोस्टर लेकर रैली निकाली। रैली में जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जाट के मुताबिक 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन जारी है। आज रैली निकालकर शासन को जगाने का प्रयास किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी कर्मचारी संघ की नर्सेज विभागीय प्रांतीय समिति द्वारा ये 10 तारीख से प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है हमारी 8 सूत्रीय मांगों को लेके, जिसमें पदनाम परिवर्तन, ग्रेड सेकेंड तथा एनपीएस, मेल नर्सों को भर्ती किया जाए आदि मांगे हमारी पूरे प्रदेशव्यापी मांगे हैं और काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं। इनको लेके हमारा 10 तारीख से प्रदेशव्यापी आंदोलन चल रहा है। आज हमने शासन को, हमने कल ताली बजा के हमने शासन को जगाने की कोशिश की थी। आज हमने कैंपस में रैली निकाल के शासन को जगाने की कोशिश की है कि हमारी मांगों का संज्ञान लिया जाए। अभी तक किसी प्रकार की कोई अधिकारी के द्वारा हमारे से वार्तालाप नहीं की गई है और हमारा आंदोलन प्रदेशव्यापी आंदोलन है और हमारी रूपरेखा है कि हम 17 तारीख तक 2 घंटे काम बंद विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, 22 तारीख को हम सामूहिक सहल लेंगे तथा 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नहीं, पेशेंट के लिए हमारी इमरजेंसी सेवाएँ अभी तक चालू रखी हैं हमने। अगर शासन प्रशासन हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमने 22 तारीख से हमारी इमरजेंसी सेवाएं भी हम बंद कर देंगे। समिति के महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष देविना कैरिन मैथ्यू ने कहा कि रैली के माध्यम से जनता को हमारी मांगों से अवगत कराया गया है। 22 जून को सभी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे जबकि 25 जून को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आज हम लोगों ने पहले चरण में हम लोगों ने काली पट्टी बांध के अपना प्रदर्शन किया था। दूसरे चरण का प्रदर्शन हमारा 14 से 17 तारीख तक है, जिसमें कि कल हम लोगों ने थाली और ताली बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश की थी और आज हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर पूरे हॉस्पिटल का एक राउंड लगाया है और अपनी मांगों के बारे में लोगों को भी अवगत कराया है और साथ ही हम सरकार को भी इससे अवगत कराना चाहते हैं। आगे किस तरह का स्टैंड रहेगा आपका? आगे हमारा ये रहेगा कि 22 तारीख को हमारा सामूहिक अवकाश रहेगा, उसके बाद में 25 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। इधर नर्सेज एसोसिएशन भी अपनी मांगों को लेकर सप्ताह भर से आंदोलन कर रहा है। आंदोलन के अंतिम दिन नर्सेज एसोसिएशन ने 2 घंटे काम बंद कर विरोध जताया। आंदोलन के बाद भी शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है, जिसे लेकर आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। जैसा कि आज हमारा विरोध सप्ताह का आखिरी दिन है और हमने 9 से 11 2 घंटे काम बंद करने का बात कही थी, पर आज दिनांक तक हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। आज शाम को हम प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार जी से चर्चा करेंगे और आगामी रणनीति के बारे में पूछेंगे और हम फिर शुक्रवार को प्रेस मीडिया के जरिए सबको अवगत करा देंगे कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कब जा रहे हैं, वो तारीख घोषित कर देंगे शुक्रवार को। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि शासन प्रशासन इनकी कब तक सुध लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।